Hello my dear student, in this video we are discussing about the poisson ratio. ठीक है कि poisson ratio क्या होता है. तो poisson ratio को discussion करने से पहले हम दो चीज़ें देख लेते हैं कि जो longitudinal and lateral strain क्या होती है. ठीक है, जैसे हमारे पास एक ये circular rod है. ठीक है, इस circular rod पे हमने stress apply की है, ये tensile stress PT और ये PT. ठीक है, अब इस स्ट्रेस को अप्लाई करने से क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी. जैसे सपोज इनिशियल लेंथ इसकी L थी यहाँ तक, और ये स्ट्रेस अप्लाई करने से इसकी जो लेंथ है वो ये यहाँ तक हो गई. इसमें हमारा ये डेल्टा L इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो ये हो गई हमारी L प्लस डेल्टा L. ठीक है, अब इस स्ट्रेस के अप्लाई करने से लेंथ इंक्रीज हुई है, लेकिन जो डायमीटर है, डायमीटर पहले कितनी थी, कैपिटल डी, अब हो गई हमारी स्मॉल डी. ठीक है, तो लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, वहीं जो डायमीटर है उसमें कुछ डिक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम कि लेटरल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी कि जो चेंज इन लेंथ है अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है उसी को कहा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. द रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, वहीं अगर हम डायमीटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि डायमीटर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो उसको देख लेते हैं हम. तो जो डायमीटर में चेंजेस आए हैं, यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन जो ओरिजिनल डायमीटर था, उसी को कहेंगे हम लेटरल स्ट्रेन. ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर अपॉन द ओरिजिनल डायमीटर. ठीक है, ये हो गया हमारा लेटरल स्ट्रेन. अब हम बात कर लेते हैं पॉइजन रेशियो की. ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइजन रेशियो क्या होता है. तो इट इज अ रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन अपॉन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो रेशियो है उसी को कहेंगे हम पॉइजन रेशियो. ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है पॉइजन रेशियो की, विच इज लाई बिटवीन द 0.25 से 0.34 के बीच में ये लाई करता है. थैंक यू.